योगी की बात मोदी सरकार को सुननी ही पड़ेगी। क्यों कहा योगी ने, नहीं बनाया जनसंख्या कानून तो 100 साल बाद सीरिया बन जाएगा हिंदुस्तान। 141 साल में 3 करोड़ से 25 करोड़ तक कैसे पहुंचे मुसलमान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में ऐसा क्या है, 75 साल के हिंदुस्तान का 150 साल बाद क्या होगा हाल। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मेरा क्या, मैं क्यों सोचूं, मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या जाता है। लेकिन कुछ सालों की खामोशी के बाद जो शोर होगा, क्या आप वो सुन पाएंगे। ये बात क्यों, क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हैरान परेशान करती है, बताएंगे आपको। लेकिन क्या वाकई में हिंदुस्तान के साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए योगी ने संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर भी एक बड़ा सवाल पूछ लिया और पूरे देश से पूछा। योगी का जनसंख्या को लेकर बयान तो सबने सुना होगा, सुनवाया भी होगा, लेकिन क्या आपको किसी ने भारत के 150 साल पुराने इतिहास को दिखाया। ये बात हम क्यों कह रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। 1881 में सिर्फ 2 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि 141 साल में ये आबादी 2 करोड़ से 25 करोड़ तक पहुंच गई। ये बात आपको समझने के लिए कई साल पीछे चलना होगा। उन दिनों भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। भारत में साल 1881 से जनगणना की शुरुआत होती है और 1941 की जनगणना भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले होती है, जो कि दोनों मुल्कों को मिला के आखिरी जनगणना थी। साल 1941 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त हिंदुओं की संख्या 29 करोड़ से ज्यादा थी और मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा सिख, ईसाई और पारसी भी थे। 6 साल बाद यानी कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी आबादी 4 करोड़ थी, जिसमें से 96% मुसलमान और करीब 1.5% यानी कि 60 लाख के आसपास हिंदू थे। अब 75 सालों के बाद भारत में मुसलमानों की 6 गुना आबादी बढ़कर 25 करोड़ हो गई, तो इस हिसाब से हिंदुओं की आबादी 29 करोड़ से 6 गुना होती तो आज 174 करोड़ होती, हालांकि अभी सिर्फ 96 करोड़ की आबादी है। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उधर पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई। मंदिरों को तोड़ना, संस्कृति को नुकसान पहुंचाना और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, ये पाकिस्तान की फितरत हो गई। हिंदुओं की आबादी 1% के आसपास पहुंच गई, लेकिन भारत के हालात ठीक इससे उलट है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत की आबादी 34 करोड़ थी, जिसमें से 10% यानी कि 3.5 करोड़ मुसलमान थे। भारत में साल 2011 की जनगणना कहती है कि हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ 63 लाख के आसपास है और मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख के आसपास, जो कि कुल आबादी का 15% है। आने वाले दिनों में ये आबादी और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि मुसलमानों में बच्चों को जन्म देने की दर हिंदुओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। औसतन एक मुस्लिम पति पत्नी के 5 बच्चे होते हैं, जबकि हिंदुओं के 2। चलिए अब आपको बताते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती क्या है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि मुस्लिम आबादी 2% से कम होती है तो वहाँ ये अल्पसंख्यक के रूप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आबादी जैसे ही 5% से ज्यादा होती है तो ये अपनी परंपरा थोपने लगते हैं। अगर आबादी तेजी से बढ़ती है तो 100 से 150 साल बाद वो देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कोई उदाहरण है या फिर आप अफवाह फैला रहे हैं। चलिए अब आपको एक उदाहरण और सटीक जानकारी भी देते हैं, देखिए और समझिए कि आखिरकार ऐसे कई उदाहरण हैं। तुर्की, मिश्र और सीरिया जैसे देश पहले क्रिश्चियन कंट्री हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ी मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये देश मुस्लिम राष्ट्र बनने लगा। आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, इनमें से कई देश विस्तारीकरण सोच के परिणाम हैं। फंड से लेकर पूरी टीम इस पर काम करती है और 58वां देश कौन सा होगा, इसका जवाब शायद आपको मिल जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2050 तक मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। फिलहाल इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और भारत दूसरे नंबर पर है। तो क्या योगी आदित्यनाथ आपको यही समझाने की कोशिश नहीं कर रहे कि एक वर्ग की जनसंख्या का मुद्दा भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन कभी किसी ने रोकने की और इस पर उपाय करने की जरूरत नहीं समझी। मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है और उसमें हमारे दो का कंसेप्ट लागू हो सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो कुछ सालों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत में आज जनसंख्या एक मुद्दा है। धर्म को छोड़ भी दें तो जनसंख्या को रोकना ही होगा। इसलिए योगी ने जो मुद्दा उठाया उस पर मोदी सरकार को तुरंत विचार करना ही होगा। न्यूज़ वाली इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट।